बेटा किसका है, किस पार्टी का है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बेटा चंद्रशेखर बावन को ही का है या फिर किसी और नेता का, क्या इस राज्य में कोई कानून है? महाराष्ट्र में हिट एंड रन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे शराब पीकर गाड़ी चलाकर लोगों की जान दे रहे हैं, और चूंकि बड़े नेताओं के बच्चे हैं इसलिए उनके नाम पर कोई FIR भी नहीं हुई है। इस देश में एक ही कानून है, अगर फडणवीस गृह मंत्री है तो उन्हें हमें बताना चाहिए कि नागपुर में हिट एंड रन का मामला था, कार किसकी है, कार कौन चला रहा था। देखिए, बेटा किसका है, किस पार्टी का है या कौन है, उससे हमें मतलब नहीं। चाहे बेटा चंद्रशेखर बावनकुले जी का हो, चाहे बेटा और किसी नेता का हो, क्या इस राज्य में कानून दो है? हिट एंड रन केसेस मुंबई में, महाराष्ट्र में इतने बढ़ रहे हैं, ये बड़े बाप के बेटे नशे में धुंध होकर किसी को भी रास्ते पर कुचलते हैं, मारते हैं, जख्मी करते हैं। और जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनका FIR में नाम तक नहीं है, आता है। कानून अगर एक है इस देश राज्य में, कानून और लॉ एंड ऑर्डर है, फडणवीस जी गृहमंत्री है, तो बताना चाहिए नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो कार किसकी है, किसके नाम पर है, गाड़ी कौन चला रहा था, बाद में ड्राइवर की अदला बदली की, ये रिकॉर्ड पर है। RTO ऑफिसर ने क्या किया, नेम प्लेट क्यों बदली, नेम प्लेट क्यों निकाल दी? अगर बावनकुले जी का या उनके फैमिली का ये एक्सीडेंट से कोई संबंध नहीं है तो ये चोरी छपाटी क्यों की? क्योंकि और जो गाड़ी चला रहे थे शहजादे, वो तो नशे में धुत थे, उनको बचाया गया है। ये सब मामला सामने आने के बाद कानून व्यवस्था कितनी उध्वस्त हो गई है, खास करके जहां फडणवीस जहां से आते हैं गृहमंत्री, उस शहर का हाल देखिए। अगर और किसी पार्टी का नेता का ये लड़का होता तो अब तक फडणवीस की फौज हमारे पर इतना हमला कर देती, लेकिन आज आपके प्रदेशाध्यक्ष के बेटा है नशे में धुत रहा, ऐसे रिकॉर्ड पे है, गाड़ी चला रहा था, दो लोग गंभीर तरह से जख्मी है, मौत से जूझ रहे हैं, और FIR में नाम तक नहीं, FIR में नाम नहीं है। अगर गाड़ी बावनकुले जी की बेटे की है, उनकी है, बेटा चला रहा था, सब कुछ खत्म कर दिया एविडेंस, तो आपको अधिकार है कानून का नाम लेकर अपने विरोधियों को त्रासदी देने का? नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, आप उस पद पर बैठने के लिए लायक नहीं हो। ये क्या फेयर जांच करेगी? जब तक इस राज्य के गृहमंत्री फडणवीस जी है तब तक किसी भी अपराध की फेयर जांच नहीं होगी। जब तक रश्मि शुक्ला DG है तब तक कोई फेयर जांच नहीं होगी। कानून उनके कोठे पे नाच रहा है, फडणवीस जी के नचाया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, लोग कुचल कर मारे जा रहे हैं उनके गाड़ी के नीचे। हाँ, FIR में नाम तक नहीं। गाड़ी आपकी है, गाड़ी में आपका बेटा बैठा है, वो नशे, वो लाहौरी बार है, रेस्टोरेंट बार, वहाँ का CCTV फुटेज निकाली है लाहौरी बार का, वहाँ नशे में कौन धूता, कौन दारू पी रहे थे, नशा कर रहे थे और बाद में गाड़ी में बैठकर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन CCTV फुटेज अब नहीं है। हा विषय फक्त बावनकुळ्यांचा आहे का, मी असं मानत नाही। या राज्यातल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा जो कचरा झालेला आहे, म्हणजे कायदा दोन आहेत का, एका बाजूला नरेंद्र मोदी समान कायद्याच्या गोष्टी करतात ना, कायदा सगळ्यांसाठी सारखा, पण या राज्यात तसं नाही आहे। जर दुसरं कोणी अशा प्रकारचा गुन्हा केला असता आणि तो दुर्दैवाने विरोधी पक्षातल्या नेत्याचा मुलगा असता, तर देवेंद्र फडणवीस आणि बावनकुळे यांच्या ज्या फौजा आहेत त्या तुटून पडल्या असत्या आमच्यावर। पण आज तुमचे प्रदेशाध्यक्षांचा मुलगा याच्या स्पष्ट दिसतो आहे, गाडी तुमची आहे बावनकुळ्यांची, गाडीनं
सहा गाड्यांना ठोकर मारली, चार लोक जखमी आहेत, त्यातले दोन अत्यंत गंभीर स्वरूपात जखमी आहेत आणि ते जीवनमरणाशी झुंज देत आहेत नागपूरला. लाहोरी बारमधून नशेत धूत होऊन हे लोक गाडी बसले आणि गाडी चालवत गेले, गाड्या ठोकरल्या. त्यानंतर दोन ठिकाणी दोन वेळा झालं हे,